हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घरों में तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की। तो आर्टिकल राइटिंग जो 5 मार्क्स का होगा, उसमें आप देख 5 मार्क्स का होगा ये। तो आर्टिकल की मीनिंग्स देख लेते हैं। आर्टिकल मीन्स स्पेसिफिक व्यूज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक बाई एनी वन, यानी कि इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी के द्वारा बनाई गई अपनी स्पेसिफिक व्यूज, अपने विचार। इट कैन बी रिटन फॉर एनी पेपर और मैगजीन और जर्नल्स। ये पेपर के लिए हो सकती है, मैगजीन्स के लिए हो सकती है स्टूडेंट्स, और जर्नल्स के लिए हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ राइटिंग। यह राइटिंग की सबसे उन्नत फॉर्म है, प्रकार है, जिससे हमें विच प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, जो हमें सूचना देती है इन ए वेराइटी ऑफ थीम, कई विभिन्न कारणों से विभिन्न। तो आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल राइटिंग। तो फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल जो हम बात करेंगे के बाद क्या होता है फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल में, हेडिंग होती है, उसके बाद राइटर्स नेम लिखा जाता है, फिर कंटेंट लिखा जाता है। कंटेंट के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, एनालिसिस होता है ऑफ द टॉपिक, और फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है स्टूडेंट्स। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। आर्टिकल राइटिंग में टाइटल और हेडिंग, या हेडिंग बोल दीजिए, उसके बाद फिर राइटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की है राइटर्स नेम, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी राइटर का नेम लिख सकते हैं आप। लास्ट में भी इसको लिख सकते हैं बाई, आप बाई करके कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे जो राइटर का नाम दिया गया है स्टूडेंट्स। तो इसमें देख लीजिए ना, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी कैपिटल, ये हम जानते ही बेसिक रूल है। इट इज इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर्स। राइट शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट टाइटल, जो टाइटल है आपका शॉर्ट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, डेट कैन इजीली अंडरस्टैंड, इसको आसानी से समझा जा सकता है स्टूडेंट्स। टाइटल शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ और चल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हैं। और इट शुड बी आई कैचिंग, ये आपको अच्छा लगना चाहिए, और गिव द बेस्ट आइडिया ऑफ द थीम, और जो थीम आप बताने जा रहे हैं उसके बारे में बेस्ट आइडिया देता हो। तो ये आर्टिकल राइटिंग का टाइटल और हेडिंग हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, आर्टिकल राइटिंग देख लेते हैं। कंटेंट और इंट्रोडक्शन, इसमें आप पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होगा। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फैक्ट्स ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको आप संक्षिप्त में लिखेंगे। मिडिल पार्ट ऑफ द टॉपिक, मिडिल पार्ट में क्या करोगे, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ काइंड और टाइप्स, इसमें टाइप्स ऑफ काइंड हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉजेज हो सकते हैं, इफेक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। इम्प्लीकेट करना है इन्वायरमेंटल से, कि इन्वायरमेंट के लिए क्या है, किस तरह से है, सोशल से किस तरह जुड़े हुए हैं, पर्सनल से किस तरह जुड़े हुए हैं, एक्सेट्रा स्टूडेंट्स। कंक्लूजन की बात करें तो सजेशंस आप अपना दे सकते हो, रिमेडियल मेजर्स क्या हैं, उसको क्या कैसे उपकरण हो सकते हैं जिनसे दी हुई समस्या को का हल खोजा जा सके। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल राइटिंग। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, हमें किन पॉइंट्स को याद रखना है। इन केस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल, डेट एंड प्लेस मस्ट बी इंक्लूडेड, उसमें हमारी डेट और प्लेस जब हम अगर किसी न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं तो वो इंक्लूड होना चाहिए स्टूडेंट्स। सेकंड, आइडियाज ऑफ द टॉपिक शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, कि एक के बाद एक स्टेप बाई स्टेप ये होना चाहिए इन सिस्टमेटिक मैनर स्टूडेंट्स। अटेंशन टू द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वोकैबुलरी सही वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, यूज सम लिंकर्स टू लिंक द सेंटेंसेस, लाइक एज सून एज, फाइनली, कंसिक्वेंटली एटसेट्रा, बिकॉज जो लिंकर्स हैं वो हमारी भाषा को, हमारे सेंटेंस को अच्छा बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मेक ए ड्राफ्ट वर्क, पहले थोड़ा आपको ड्राफ्ट वर्क कर लेना है, जॉट ऑल द आइडियाज, में आइडियाज को जल्दी से इकट्ठा कर लीजिए आपने क्या लिखे हैं। देन मेक सीक्वेंस, तब एक सीक्वेंस बना लीजिए, एंड देन ज्वाइन ऑल द आइडियाज विद एप्रोप्रिएट लिंकर्स, एप्रोप्रिएट लिंकर्स के साथ उन आइडियाज को आप जोड़ लीजिए, और फिर इस तरह से आपका एक रफ ड्राफ्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स, और आप एक अच्छा आर्टिकल लिख पाओगे। प्रैक्टिस फॉर गुड राइटिंग इन एनी फील्ड और टॉपिक, किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में, जो भी प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फॉर दिस रीड मोर, एंड इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिसन टू रेडियो शोज,
रेडियो शोज को देखना, टीवी शोज को देखो, डिस्कशन और न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल पेज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा आएगा। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वी नो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि एक प्रैक्टिस अभ्यास इंसान को परफेक्ट परिपक्वता की ओर ले जाता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज की। इसमें एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, यू आर नवीन और नमिता और ABC स्कूल न्यू दिल्ली, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ द रोल ऑफ इंटरनेट ऑन आवर डेली लाइफ। तो फ्रेंड्स आप ये करना, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।